जाने माँ लक्ष्मी की आज बताते हैं हम वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी की बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं, हाँ हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान, माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। शेष नाग पर बैठे बैठे ख्याल ये मन में आया, धरती पर घूमने का श्री विष्णु ने विचार बनाया। वैसे तो कई साल बीत गए थे धरती पर आए, सोचा कि धरती से क्यों ना घूम के हम आए। लग गए यात्रा की तैयारी श्री विष्णु करने, देख के माँ लक्ष्मी लगी पूछताछ करने। सुबह सुबह ही कहाँ जाने की हो रही है तैयारी, श्री विष्णु जी बोले धरती लोक की है तैयारी। सुनो कहानी आगे की जो हुआ बताते हैं हम वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान, माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। साथ में क्या मैं भी चल सकती श्री विष्णु से पूछा। दो पल के लिए सोचा फिर विष्णु जी ने बोला, चल तो सकती हो लेकिन एक शर्त है उनसे बोला। लक्ष्मी जी को शर्त बताने लगे हैं फिर विष्णु जी, उत्तर दिशा में ना देखना लक्ष्मी बिल्कुल भी। शर्त मान कर हो गई माँ संग जाने को तैयार, धरती पर जाने के लिए दोनों भरे उड़ान। अब क्या होने वाला है आगे बतलाते हैं हम वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान, माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। मौसम बड़ा सुहाना था धरती पर जब वो आए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली वो पाए। धरती की सुंदरता देख मंत्र मुग्ध हो गई, विष्णु जी की शर्त जो थी वो सब कुछ भूल गए। इधर उधर वो लगी देखने याद न था उनको, वचन दिया था विष्णु जी को। उत्तर दिशा में माने देखा सुंदर एक बगीचा, भीनी भीनी खुशबू ने हमा के मन को खींचा। यहाँ से हो गई शुरू कहानी सुनो सुनाते हैं हम वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे
बनी समझाते हैं, वो कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान, लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। कुछ सोचे माँ लक्ष्मी चली गई उसमें, प्यारा सा एक फूल तोड़ ले गई विष्णु के पास। देख के बोले विष्णु जी अच्छा नहीं ये काम, आँख में आंसू आ गए उनके लगे समझाने वो। वचन दिया था जो माँ को लगे याद दिलाने वो, कभी किसी की वस्तु नहीं लिया जाता। अपनी भूल के लिए माफी मांगने लगी माता। सर्वश्रेष्ठ है ये कहानी तुम्हें सुनाते हैं, हाँ हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं, वो कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान, लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। विष्णु जी बोले कि तुमको सजा मिलेगी जरूर। माल से बिन पूछे क्यों तोड़ा उसके खेत से फूल, एक प्रकार की चोरी है लक्ष्मी मानो ये तुम। इसीलिए जो सजा मिलेगी वही करोगी तुम। 3 साल माली घर नौकर बन के रहना होगा, जो भी होगा घर का सारा काम वो करना होगा। उसके बाद बुला लूंगा फिर वापस बैकुंठ धाम। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की मान ली सारी बात। माँ की शक्ति के बारे में तुम्हें बताते हैं, हम वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं, वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान, माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। नहीं था लेकिन एक झोपड़ी में सब रहते। आज इस माली के घर गए, नाम था माधव उसका। पत्नी और 3 बेटी 2 बेटा था उसका। उस छोटे से खेत में सब मिल करके काम वो करते, उसी खेत के ही सहारे अपना गुजारा करते। लक्ष्मी माँ जब बन के गरीब की बेटी घर में आई, माली ने पूछा बेटी तुम कौन कहाँ से आई। माँ ने जो बोला माली से वो बतलाते हैं, आगे और सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं, वो कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान, लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान।
गरीब हूँ कोई नहीं मेरा। मैं हूँ अकेली देखभाल करने वाला ना मेरा। कई दिन से बहुत तेज हाँ भूख लगी है मुझको। कोई काम हो आपका चाहे सब दे दो मुझको। कहीं भी घर के कोने में एक छोटी जगह दे दो। इस गरीब बेटी की आप तो हालत भी देखो। माधव माली दिल का बहुत ही अच्छा था इंसान। दिल में उसकी दया आ गई सच में था वो महान। बहुत ही अद्भुत है ये कहानी तुम्हें सुनाते हैं हम वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। फिर पड़ जाता मेरी कमाई से घर बहुत ही मुश्किल से चल पाता। लेकिन तीन की जगह चार बेटियां होती तो हमें गुजारा वैसे भी करना पड़ता। आखिर तो क्या जैसे हम रहते हैं तुम वैसे रह लोगे। सूखा जो भी खाते क्या तुम खा लोगी। हाथों बन के बेटी आ जाओ मेरे घर में। माँ को माधव मान के बेटी शरण दिया घर में। सुनते रहना ध्यान लगा के और सुनाते हैं हम वो कथा सुनाते लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं वो कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के लक्ष्मी के आने से माधव के घर दूसरे दिन होने लगी बरकत। इतनी की गाय ले लिया उस दिन। खरीद लिया फिर धीरे धीरे माधव जगह जमीन। अब तो लगे पहनने अच्छे कपड़े वो हर दिन। बेटी और पत्नी ने गहने भी बनवा लिए। खुशी खुशी से अपने घर में रहने लगे। कुछ ही दिन में ले लिया माधव बड़ा सा एक मकान। लोगों में बढ़ने लगा उसका बहुत ही मान सम्मान। माधव के संग जो कुछ भी हुआ तुम्हें बताते हैं हम वो कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी नौकरानी कैसे बनी समझाते हैं वो कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। खेत में काम है माता करवाए तुमसे। माँ मुस्का के बोली माधव तुम हो नेक इंसान। अच्छे और दयालु भी हो कोई न तुम समान। तुमने मुझको अपनी ही बेटी की तरह रखा। अपने ही पर
परिवार के जैसा मुझको प्यार दिया। इसके बदले में मैं तुमको देती हूँ वरदान, खत्म न होगे कभी तुम्हारी खुशियाँ और धन दान। कह के माता लक्ष्मी रथ में बैठ वो जाती है, माँ धन धान्य लुटाती है। विष्णु जी के भेजे हुए माँ रथ से जाती है, वैकुंठ को जाती है। माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान, माँ लक्ष्मी का गुणगान सब सुनो लगा के ध्यान। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत हरि विश्व विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, रिधि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ये शुभ दाता, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, सब तुमसे पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता, क्षीरो दधि जाता,
पाता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनवा नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी, के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। विष्णु प्रिया महालक्ष्मी आए हैं तेरे द्वार, विनती सुन लो दया मई, कर दो बेड़ा सुखदाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, चौदह रत्न सिंधु में पायो, चौदह रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनी दासी, जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलता सेवा कीन्हा, स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन है अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा की ओर हृदय पुल काही, अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। विष्णु प्रिया महालक्ष्मी आए हैं तेरे द्वार, विनती सुन लो दया मई, कर दो बेड़ा पार। तज छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध बाति मन लाई, और हाल में कहां बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे
सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्ति हीना, अंधा बधिर कोड़ी अति दीना, विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। करे गौरी सा सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे, बारह मास करे जो पूजा, ते ही सम धन और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही, बहुविधि क्या मैं करूं बढ़ाई, ले ये परीक्षा ध्यान लगाई, करे विश्वास करे व्रत नीमा, होए सिद्ध उपजे उर प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी, तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहूं नाही। भक्ति मोहि दीजे, भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्ही अक्षत दुख सहते भारी, नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर भुज करके धारण, कष्ट मोर अब कर हो निवारण, कहीं प्रकार री।
मुकुट सजा है मेरे
चरणों